लड़के में हूँ। मेरी गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी है और हमारी साफ सफाई हो रही है। साफ सफाई हो रही है। आई एम फॉरेनर, माझे कडून 300 रुपये गमी 300 रुपये दिल्याशिवाय मी आता नाही ब्लॉग करायचा आहे, बक्षोदी करायची असं नाहीये। असं असतं, बक्षोदीच पाहिजे। हा पिंपरी चिंचवड आहे। हॅलो, कशा आहेत भावांनो? माहिती आहे मला खूप उशीर झाला आहे ब्लॉग यायला, पण आता येईल। आम्ही चाललोय आता, कुठं जाणार आहे आम्ही? आगाखान पॅलेसला चाललो आहे। म्हणजे आगाखान पॅलेस जाने वाले हम लोग। सो मिळते आगाखान पॅलेस में। आणि हा आपला सर्वांचा भाऊ समीर गायकवाड यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली। तो चला भेटूया आपण आगाखान पॅलेस। बाय बाय। ये मैं हूँ, मेरी गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी है और हमारी साफ सफाई हो रही है। साफ सफाई हो रही है। A few moments later. Hello, so हम आ चुके हैं अभी आगा खान पैलेस पे। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पहले टिकट निकाल ले हम। चलो टिकट निकालते हैं। आई एम फॉरेनर, माझ्याकडून 300 रुपये घ्या, मी 300 रुपये दिल्याशिवाय मी आज जाणारच नाही। नाही 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 नाही, मला येती मराठी येती, मला, मी फॉरेनर आहे ना। फॉरेनरला किती मी शिकले मराठी, मराठी नाही नाही आय 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 मी विसरलो, मला इंग्लिश येत नाही आता मराठी शिवाय। एक बारीक वाळे आमच्यात सांग कर माझे पण दीपिका, एक बारीक वाळे आमच्यात सांग। मी फॉरेनर आहे, माझे पण काका माझे 300 रुपये द्या। अरे जेव्हा मी तुम्हाला सांगतो, जेव्हा ओरडला तेव्हा बंद करून टाकू, टेन्शन घ्यायचं नाही। मी आहे ना, आपली खूप चालती आहे विंचोत, आपण एकाला फोन लावून वापस चालले जाऊ। समाधी केवर जायंगे आपण, चलो समाधी आहे माझी तर ना सर, मी जिवंत आहे, व्लॉग शूट करतोय ना। असंच असत, बकचोदीच पाहिजे। हे काका बघ ना किती मोठ्या पाईपने पहिले मी दिसलो पाहिजे ना, पहिले लोक मल पाहतील की आगाखान पॅलेस पाहतील, मल पहा। हा आगा खान पॅलेस घोसडीचे माझ्या गाडीचा एमएच 14 आहे। मी पिंपरी चिंचवड आहे। हा पिंपरी चिंचवड आहे, मी पिंपरी चिंचवड आहे म्हणते। कसलं भारी आहे ना, मस्त आहे। पहिल्यांदा आलोय मी इथं, खरं पहिल्यांदा आलो मी। बाउन्सर आहे म्हणते एवढा स्मारक आहे, ती स्मारक महात्मा गांधी, कस्तुरबा गांधी, अजून कोण, नामदार मोहम्मद समथिंग समथिंग। ये कट करतो, इसको नहीं लेना भैया, फटके पडेंगे। काय वडा पाव, तुला वडा पाव, आम्ही तुला पाव भाजी घे, आम्ही तुला खायची असं ना। मग एक्झॅक्टली मला पण आलू पराठा खायचा, म्हणून मी अश्विनला आलू पराठा खाऊन ये होती है सबसे बड़ी इंसल्ट कैमरा के सामने। हमको करवानी होती है स्प्राउट कैसे दिखाते हैं तो फोर्क में। A few moments later. हॅलो, आमचं झालं आहे आता जेवण, तर आता फिरूया। खाल्लं आहे आम्ही खूप काही, समजलं। रेल्स निकालना है हमको, ये है आगा खान पैलेस गाइस, इधर जाने वाले अभी। चलो चलते हैं, निकलते हैं, जाते हैं।
लोकेशन बहुत सही है अभी, आओ आप यहाँ पे देखो, बहुत सही लोकेशन है। सेव करून मला सेंड कर, नाही तिला सेंड कर व्हॉट्सअप। फेस काळा आला त्याचा, माणसासारखा झाला म्हणजे मी कोणतं मान बाई सारखा झाला तू काढे हात आणि असा चाल शिस्तीत काय एक टिकट चाल रेडी। A few moments later. चला जाऊया आगा खान पॅलेसला आतमध्ये, चलो हॅलो 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 अमित लाजू नको अमित, एकदा हास अमित अमित भारी है ना वो पैलेस को जाने का जजन अंदर चलते ना रे नहीं माइक का चलते का फोटोज वगैरह काढता है चलते फोटोज काढता है ते लोग हाँ का अरे यार मग कसं होईल अगर अंदर दिखाने देंगे तो मैं दिखाऊंगा वैसे नहीं दिखा सकता अंदर दिखाते हो अगर चालू हो शूटिंग अगर कर सकते हैं तो मैं दिखाऊंगा आपको नहीं तो नहीं दिखा सकता अंदर मुझे भी पता नहीं क्या है चलो देखते हैं क्या दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं देख सकते हैं यहाँ पे स्टैचूज है गैलरी है गैलरीज जो पुणे में रहते हैं उनको पता होगा वो कोई जो आया होगा यहाँ पे उनको पता होगा देखते हैं चलो अंदर हिट्स है ना फर्स्ट आई थिंक हिट्स है हाँ तेज है फर्स्ट इतना चाहिए इतना स्टार्ट करना महात्मा गांधी म्यूजियम है कहीं पैलेस महात्मा गांधी म्यूजियम चलो अंदर जाते हाँ ना ये महात्मा गांधी का स्टैचू है इधर देख सकते हो खरं ओरिजिनल वाटतं ना गॅलरी नंबर सेकंड इथं सगळं महात्मा गांधीच आहे का अच्छा आपण स्टॅच्यूच आहे हे माहीत नाही कोण आहेत मला हे कोण आहे हे कोण आहे महादेव देसाई अच्छा हे महादेव देसाई आहेत अभी आपण जाएंगे गॅलरी नंबर थर्ड में सब जगह स्टॅच्यूज आहे म्युझियम आहे गाव महात्मा गांधी का पूरा म्युझियम आहे महात्मा गांधी को इधर रखा गया था और ये महात्मा गांधी जी को इधर रखा गया था अभी अपन जाने वाले गैलरी नंबर थ्री चलो करेंगे या मरेंगे सा
सात छात्रों की कुर्बानी, ये सात छात्रा जिनकी कुर्बानी दी गई थी, इनका स्टैचू है यहाँ पे, समझ रहे हो? ये रेडियो उस जमाने का है जब महात्मा गांधी जी थे। आता जाऊया गॅलरी नंबर 4 मध्ये। हे महादेव भाई देसाई गांधीजींचे सेक्रेटरी होते। चला बघू। सरक हे बघा, गांधीजी ते बसत होते। ते बघा गांधीजी चप्पल, हां तेच नजर काही देत होते, त्यांना इथं ठेवलं होतं। हे गांधीजी सध्या इथं बसलेले। इधर नजर बंदी थे, बसलेले इथं त्यांना ठेवले जात। आता गॅलरी नंबर 5। गॅलरी नंबर 5 लॉक है। अबे वही अंदर से देखा अपन ने, वो गैलरी नंबर 5 वो 4 में से देखा अपन ने, आपको दिखा है मैंने वही। अभी अपन 6 में जाएंगे। चलो ये है, ये कौन सा है? हाँ ये उनकी लोकप्रियता का मूल कारण, कस्तूरबा के अंतिम संस्कार के संबंध में सरकार की निवेदन। यहाँ भी कस्तूरबा गांधी जी का फोटो है, ये महात्मा गांधी जी का फोटो है। हाँ ये रही है, तो इतना ही था। 6 गैलरीज थे इधर, महात्मा गांधी जी को इधर रखा गया था, तो वो हाँ तो इनको सबको रखा गया था, मतलब इनको सबको मंजे उनकी वाइफ और गांधी जी को। तो इतना ही था इधर ये सीनरीज, बाकी चलो देखते हैं। चलो गाइस, तो ख़त्म हो चुका है यहाँ का। अभी जाते हैं दूसरी जगह। इन लोग को फ़ोटोज़ वगैरह निकाल रहे लोग। अपना क्या है, गरीब है अपन, गरीब लोग। सो गाइस, हमारा हो चुका है यहाँ का। अभी अपन घूमते हो चुका है, आपको दिखा दिया। अभी निकलते हैं हम लोग, तो करते ब्लॉग एंड। जिसको वीडियो पसंद आया, ब्लॉग पसंद आया, वो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में बताओ कैसा लगा। और नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आएगा, ये वाला थोड़ा लेट हो चुका था, माफ़ कर देना। चलो बाय। और जो जो नया है वो जाके सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम आईडी होगा इधर मेंशन किया हुआ, उस पर जाके फॉलो करो, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। थैंक यू वेरी मच।